नमस्कार, न्यूज़लाइन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। दिल्ली में मुकाबला बेहद दिलचस्प हो चला है। चुनावी मैदान में योद्धा उतर चुके हैं, रणभेरी बच चुकी है। मुकाबला करने के लिए लिबास भी पहन लिया गया है और बहस के लिए खुली चुनौती भी दे दी गई है। किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल और अजय माकन तीनों दिल्ली फतह करने के लिए तैयार हैं। राजधानी समय चुनावी रंग में रंगी नजर आ रही है। रोड शो, चुनावी सभाएं और नेताओं की एक दूसरे को ललकार की आवाज सुनाई दे रही है। नेता एक दूसरे से दो दो हाथ करने के लिए तैयार हैं, बस मौके का इंतजार है। बीजेपी का दारोमदार अब किरण बेदी के कंधों पर है। केजरीवाल पहले से ही अपनी पार्टी के राजा बनकर फ्रंट पर हैं और कांग्रेस ने कमान अजय माकन के हाथों में दे दी है। एक रिपोर्ट देखिए। दांव पर दिल्ली की गद्दी है, जंग केजरीवाल और किरण बेदी के बीच है। दो की इस लड़ाई में अजय माकन कांग्रेस के लिए जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अन्ना के दोनों की दिलचस्प जंग में तर्कों की तलवार हर कोई चला रहा है। बीजेपी ने किरण बेदी को दिल्ली की कमान सौंपी तो मुकाबला और तीखा हो गया। किरण बेदी की तरफ बहस में उतरने का जाल फेंका, लेकिन अन्ना के आंदोलन में तपी किरण बेदी ने केजरी जाल को ये कहकर काट दिया कि बहस तो विधानसभा के फ्लोर पर होगी। मतलब साफ है कि अभी वक्त मैदान में अपनी ताकत दिखाने का है। जिस रोहिणी से आशुतोष को दीवार फांदकर भागना पड़ा, वहां किरण बेदी का जोरदार रोड शो हुआ। मौका भी था और दस्तूर भी, इसलिए केजरीवाल भी पूरे तामझाम के साथ अपना नामांकन करने पहुंचे, मगर नामांकन किया नहीं और शाम ढलते ही सीधे कृष्णानगर में रैली करने जा पहुंचे, जहां से किरण बेदी चुनाव लड़ने जा रही हैं। बीजेपी के इस गढ़ में केजरीवाल कितनी सेंध लगा पाएंगे कहा नहीं जा सकता, लेकिन इससे ये साफ है कि किरण बेदी की मिट्टी खोदने का एक भी मौका वो हाथ से जाने नहीं देंगे। अब बारी किरण बेदी की है। केजरीवाल के सबसे खासम खास मनीष सिसोदिया को बिन्नी ने पटपटगंज में घेर लिया है। नई दिल्ली की लड़ाई भी केजरीवाल के लिए 2014 जितनी आसान नहीं रही। तब सामने शीला दीक्षित थी, जिन पर कॉमनवेल्थ गेम से लेकर कई आरोप लगे थे। यूपीए सरकार की नाकामी थी, लेकिन 2015 में सामने नुपुर शर्मा है और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, जिस पर कम से कम भ्रष्टाचार और घोटाले का कोई आरोप नहीं है। इसलिए हमला करके भाग निकलने की केजरीवाल की पुरानी रणनीति इस बार उतनी कारगर दिखती नहीं। इसीलिए केजरीवाल किरण बेदी को बहस में उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। किरण बेदी केजरीवाल के हर दांव को बेहतर तरीके से जानती हैं, इसलिए उन्होंने केजरीवाल की चुनौती को सीधे खारिज कर दिया। आम आदमी पार्टी प्रमुख केवल बहस में यकीन रखते हैं, जबकि मेरा ध्यान सेवा करने पर है और बहस सदन के भीतर होगी। किरण बेदी और बीजेपी की रणनीति साफ है, वो केजरीवाल को पब्लिसिटी के लिए कुछ भी करने वाला साबित करना चाहती है। बीजेपी प्रवक्ता समित पात्रा के मुताबिक, आपका मतलब है ऑल अबाउट पब्लिसिटी, केजरीवाल किरण बेदी को बहस की चुनौती देकर सिर्फ डिबेट चाहते हैं। दो सालों से दिल्ली में सिर्फ बहस ही तो हो रही थी। केजरीवाल ने ट्वीट कर बेदी से ये अपील भी की कि वो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर उन्हें अनब्लॉक करें। किरण जी, मैं आपको ट्विटर पर फॉलो करता रहा हूँ, अब आपने मुझे ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया है, कृपया मुझे अनब्लॉक कर दें। बेदी ने केजरीवाल पर पलटवार करते हुए कहा कि मैंने केजरीवाल को करीब 15 महीने पहले ब्लॉक कर दिया था, जब उन्होंने खुद को अराजकतावादी बताया था। वो नकारात्मकता फैला रहे थे, नहीं चाहती थी कि मेरे 4 मिलियन फॉलोअर नकारात्मकता को देखें। ये एक प्रदूषण फैलाने वाला अकाउंट था। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने किरण बेदी को बहस के लिए चुनौती दी है और जिस तरीके से बीजेपी किरण बेदी को फ्रंट पर रखकर केजरीवाल के खिलाफ ताबड़तोड़ बैटिंग कर रही है, उससे ये तो साफ है कि अन्ना के चेलों के बीच घमासान होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये कि जो बीजेपी झारखंड से लेकर कश्मीर तक की जंग मोदी के नाम पर जीती, वो दिल्ली में किरण बेदी के भरोसे क्यों है? विपनेश माथुर, चैनल वन न्यूज।
तो वाकई में राजधानी में जो मुकाबला है बेहद दिलचस्प हो गया है। अब तो केजरीवाल ने खुली बहस की चुनौती दे दी, आदत पुरानी है, शीला दीक्षित को भी दी गई थी, उन्होंने भी इनकार कर दिया था। किरण बेदी को अब उन्होंने दी है, उन्होंने भी इनकार कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जीते तो सदन में होगी बहस, अभी तो काम करने का समय है, मैदान में उतरने का समय है। और वाकई में और इस समय में अरविंद केजरीवाल बहस की चुनौती दे रहे हैं, कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया है मगर वो उनसे बहस करना नहीं चाहते। तमाम तरह के सवाल हैं, आज नामांकन करना था मगर नहीं किया और पहुंच गए रैली करने के लिए। तो कहीं ना कहीं किरण बेदी के आने से अरविंद केजरीवाल की जो रणनीति है वो फीकी पड़ती दिखाई दे रही है और जिस तरीके से उनका चाल चलन अब बना हुआ है उससे साबित भी हो रहा है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पुष्प रंजन जी मौजूद हैं, हमारे साथ आप नेता मुकेश आनंद जी मौजूद हैं, बीजेपी नेता वार्षिक राणा जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस नेता राजेश यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। सबसे पहला सवाल पुष्प रंजन जी मेरा आपसे है कि अरविंद केजरीवाल काम करने का समय है, ऐसे में चुनौती दे रहे हैं और जिस तरीके से किरण बेदी को लेकर सीएम पद के लिए उनकी अनाउंसमेंट हुई और उसके अगले दिन ही उन्होंने बधाई भी दी और चुनौती दे दी बहस की, कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया, किरण बेदी ने स्वीकार नहीं किया, उधर वो बहस करना नहीं चाहते, किरण बेदी से ही क्यों? देखिए, बहस से भागने की ज़रूरत क्या थी, मैं तो समझ में नहीं आ रहा है। आप एक प्लेटफॉर्म पे आइए और बहस के लिए अगर वो चाहती हैं, कांग्रेस भी चाह रही है, दूसरे दल के लिए सिर्फ यही तीन पार्टियाँ नहीं और भी पार्टियाँ हैं, तो एक मंच पर आएँ और सारे चैनल वाले भी रहें और बहस की शुरुआत हो, देश भी देख लें। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, अमेरिकी चुनाव में भी बहस होता है, यूरोप के चुनाव में भी बहस हो रही है। 1960 में अमेरिका में शुरुआत हुई थी राजनीतिक बहस की और दो पार्टियां आज भी बहस करती हैं। यूरोप में भी अलग अलग पार्टियां बहस करती हैं जब भी चुनाव होता है। यहाँ भी एक तरह से बहस की परंपरा, हालांकि अब विश्वविद्यालयों में, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जब मैं छात्र था तो ये बहस की परंपरा थी, विभिन्न दलों को के प्रत्याशी एक प्लेटफॉर्म पे आते थे, बहस करते थे हम लोग ओपन हाउस। तो इस आपने भी वैसे ही उसी तेवर के ज़्यादातर नेता हैं और शायद उसी कल्चर को चाहते हैं भारतीय राजनीति में इंट्रोड्यूस करना, तो बुराई क्या है, बहस होनी चाहिए। इसमें एक दिन की बहस होगी, चाहे दो घंटे की बहस हो तो उसमें साफ साफ तस्वीर सामने आ जाएगी, इससे इतना बड़ा। मगर हर बार वही पैंतरा, शीला दीक्षित को भी दी गई, पीएम को भी उन्होंने ललकारा कि आइए बहस कीजिए और ये वही पैंतरा बार बार। एक चीज विपिनेश जी और भी ध्यान देने की बात है, बड़ा आश्चर्य लगता है जब अरविंद केजरीवाल बनारस जाके पीएम को चुनौती देते हुए चुनाव लड़ सकते हैं, भले ही हार गए पूरी तरह से, तो यहाँ पर जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बड़े बड़े दिग्गजों का नाम आ रहा था कि वो लड़ेंगे, फला को लड़ाएंगे, तो इस समय आप गौर कीजिएगा पूरे चुनावी रणनीति में दिग्गजों के खिलाफ दिग्गज नहीं खड़ा है, कोई बकरा जैसे खड़ा कर दिया गया चुनाव में या बकरी खड़ा कर दिया गया चुनाव में, दिग्गज के खिलाफ दिग्गज को खड़ा करना चाहिए था। किरण जी लड़ती वहाँ से, अजय माकन लड़ते उस इलाके से, तब चुनाव का समझ में आता है कौन कितने पानी में है। मिनिस्टर को तारा है। हाँ, चलिए राणा जी क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ये आम आदमी पार्टी तो बहस की पार्टी है, बाकी इन्होंने कुछ करना वरना तो है नहीं, इनको तो हमेशा बहस। अरे अब तो चंद दिन रहे हैं, अब चुनाव आपके सामने हैं, अभी क्योंकि इनको ये उम्मीद तो है नहीं कि विधानसभा जीत रहे हैं, अगर जीत रहे कि ये उम्मीद होती तो ये बहस विधानसभा में ही करते, अब ये सड़क पर ही बहस सारी ज़िंदगी करते रहे। जब मुख्यमंत्री बन गए उसके बाद भी सड़क पर ही आके बहस कर रहे हैं। भाई इनको तो सिर्फ काम तो कुछ वास्ता इनका है नहीं, जहाँ तक केजरीवाल जी का, ये बहस पे ही ज़्यादा जोर दे रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस के नेता कह भी रहे हैं, अरे वहाँ एक जगह तो बहस करके देखो, जो आदमी कह रहा उससे तो बहस कर लो, वो उसको तैयार नहीं है। इनका मतलब एक एक हंगामा खड़ा करना है और प्रैक्टिकल रूप से इनका किसी चीज़ से कोई वास्ता नहीं है। प्रैक्टिकल रूप से किसी चीज़ से कोई वास्ता नहीं है। मुकेश आनंद जी, देखिए, बीजेपी का सिंगल पॉइंट एजेंडा है, इनका दिल्ली का कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, इनका एक ही एजेंडा है, केजरीवाल पे अटैक करो, उसके इश्यूज़ पे उसको क्रिटिसाइज़ करो। तो ये हमारी जीत है, हमारी जीत ये भी है कि किरण बेदी जी को इन्होंने उम्मीदवार बनाया, क्योंकि इनकी पार्टी में और कोई था नहीं, इम्पोर्ट करना पड़ा, पैराशूट से आई, अपने पार्टी में विरोध हो रहा है आप ही दिखा रहे हैं अपने चैनल पर। सबसे बड़ी बात यह है कि जो डिबेट का इन्होंने चैलेंज किया है, इसका एक बैकग्राउंड है। बीजेपी ने भी पहले, जब पिछली बार लोकसभा के चुनाव हुए थे, तो इन्होंने चैलेंज किया था कि सोनिया गांधी नितिन गडकरी से मुकाबला करें, जिसको कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि चैलेंज करें हम,
किरण बेदी जी ने खुद कहा था कि मैं इस डिबेट की पक्षधर हूं। इस परिप्रेक्ष्य में इसको देखना, अगर ये बातें वो नहीं कह चुकी होती तो शायद हम नहीं कहते। पुरानी साथी रही हैं तो डिबेट के लिए उन्होंने आमंत्रित किया है। और ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की आदत में शुमार है, हर बात को ऐसा ही करते हैं। हम मनाई नहीं कर रहे, हमारी जो गलतियां हैं स्ट्रेटजी को किरण बेदी और हमारी जो स्ट्रेंथ है हम उसको आपके सामने रखते हैं, जो गलतियां हुई माफी मांगते हैं। हमारी स्ट्रेटजी है तो कांग्रेस तैयार है बहस के लिए। मैं कह रहा हूं वहां क्यों दिलचस्पी नहीं ली जा रही। किरण बेदी ने इसलिए मना किया है क्योंकि वो जानती हैं कि वो केजरीवाल के सामने कहीं नहीं टिकेंगी, क्योंकि वो पराजित हो जाएंगी और यहां पे सरकार बन रही है। मगर माहौल तो दिख रही है और बन चुका है भाई, वो माहौल झूठ बोलते हैं उनके सामने कहीं नहीं दिख सकता। जब कांग्रेस सारी जिंदगी सत्ता दे गई उनके झूठ पे राजनीति रही है, यही केजरीवाल जी के सामने जब कांग्रेस को दिखता नहीं था कि सड़कों पे झुकी झोपड़ियों में क्या कर रहा है। आज सड़कों की खाक छानते हुए अरविंद केजरीवाल का कोई मुकाबला नहीं है। नहीं। आप किरण बेदी को ले आए, किसी को ले आए, बात सामने आ रही है। कांग्रेस भी आप पर आरोप लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल स्वाभाविक है, आरोप लगाना चाहिए, भी वही कह रही है। कड़ी परीक्षा होनी चाहिए, आप भी आरोप लगाइए, हम उसका जवाब देंगे और जनता फैसला करेगी। उन्होंने बकायदा बुकलेट भी जारी कर दिया है कि ये वादे, दो चार और किताब लिखे इनको भूल गए। मोदी साहब की कितनी क्रिटिसिज्म हुई थी उससे पहले, और उन्हीं क्रिटिसिज्म के बल पे मैंने आपको पहले कहा एजेंडा आम आदमी पार्टी सेट करेगी। क्रिटिसिज्म केजरीवाल का होगा जिससे यह पता चलता है कि कैसे 40 सीटें आ रही हैं, कैसे बौखलाई हुई है बीजेपी कि जो एग्जिस्टिंग नेता है अगर उनको वो खड़ा करेंगे तो उनके खिलाफ पूरा कच्चा चिट्ठा है, उनसे बेईमानी कर सकते हैं। सवाल ये है कि आपने चुनौती दी बहस के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए, कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया, किरण बेदी ने इनकार कर दिया। थोड़ा सा जिन्होंने स्वीकार किया है उनसे आप क्यों बहस? मैं बता रहा हूँ, चुनौती अरविंद केजरीवाल ने किरण बेदी को दी थी व्यक्तिगत रूप से, उन्होंने कहा था कर लिया फिर। नहीं, मैं इनकी बात का भावना का सम्मान करता हूं, इनके साथ हम करेंगे अगर इस पोजीशन में होगी, क्योंकि आज जो डिसाइड आप भी दिखा रहे हैं मुकाबला जो है के अकॉर्डिंग तो दोनों को दी गई थी। नहीं, अजय माकन जी व्यक्तिगत रूप से किरण बेदी को कहा था, मैंने आपको पहले भी बताया व्यक्तिगत रूप से कहा था, चूंकि आप इसके पक्षधर हैं, क्योंकि बीजेपी इसका पहले भी कर चुकी है, इसलिए आप इसके पीछे ना जाए। कांग्रेस को आपको मैं आपको याद दिला दूं कि कांग्रेस पहले भी पीछे हट चुकी है। इनको कहा था सोनिया गांधी और राहुल गांधी आके मुकाबला करें किसी के सामने, इन्होंने कहा हम नहीं करेंगे, हमारे छोटे स्तर के नेता करेंगे। तो जो परिप्रेक्ष्य में आ चुका है, जिस समय आम आदमी पार्टी की आदत में शुमार क्यों है कि कोई बड़ा नेता दिखता है तो उससे खुली बहस की चुनौती देते हैं? देखिए आखिर ऐसा क्यों? हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, चुनाव का घोषणा हो चुकी है, इस समय सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? आपका जो ब्लूप्रिंट है, आप दिल्ली को कैसे डेवलप करना चाहते हैं? हमने 49 दिन में एक काम किया, हमारे पास एक ब्लूप्रिंट है, आगे क्या करेंगे? हमने आपको एक ब्लूप्रिंट दिया डिटेल्स में, अब आप बताइए लोगों के सामने आके आपका क्या काम है? आपको यही काम करना है कि जनता को कैसे आप फायदा देंगे ये बताना है लोगों को। आप डिबेट करिए, आप हमें परास्त करिए, हम झूठ बोलते हैं, हम कुछ नहीं है, हमारी एक सीट नहीं आ रही, आप बहस करिए। जब सब कुछ हो जाएगा तो जनता क्या करेगी जान के? क्या कहेंगे आपको बहस के लिए लायक कुछ है ही नहीं रहे ये। ये इन्होंने पहले शीला दीक्षित से बता रहे कहा था बहस के लिए, तो शीला जी ने कहा कि बहस का जो मुद्दा है सदन में होता है, आप सदन में आइए, सदन में हम आपको बहस करेंगे। समझाया तो सदन में आप लोग ही ना बहस भाग गई, कह रही हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, चुनाव हम समर्थन नहीं करेंगे। आपने दोबारा वही राग अलपाए तो ठीक, अजय माकन जी ने कही ठीक है हम तैयार हैं आइए, बार बार तुम वही मुद्दा उठाते हो, विचार करेंगे। अभी आपने बोला तुम दौड़ के थोड़ी चले जाएंगे, थोड़ा और मैं बताऊं, ये दोनों जो किरण बेदी जी केजरीवाल जी, ये जो इनके बाबा का, इनका रामदेव बाबा का और इनका आंदोलन चला था, तो ये आंदोलन की दोनों ही उपज हैं। दोनों ने अन्ना हजारे जी, जिसका हमें गर्व है, अन्ना हजारे जी ने ऐसा गर्व है, दोनों शिष्य ऐसे हैं कि पार्टी बनाई तो पूछा नहीं, उनने बीजेपी ज्वाइन करी तो पूछा नहीं, दोनों शिष्य ऐसे हैं कि जब मतबल आया, किरण बेदी जी ने कहा था, केजरीवाल जी ने कहा था कि हम राजनीति में जिंदगी में नहीं आएंगे। उन्हीं दोनों शिष्य में कोई चीफ मिनिस्टर बनेगा? शिष्य में बनेगा, लेकिन कहाँ है आप? मैं अभी भी अहंकार का दुश्मन नहीं हूँ। ये तो देखिए आप कितने, सच्चाई को तो देखिए, कितने आप कितने आप क्या करेंगे? ये तो कितना झूठ बोलेंगे, झूठे हैं आप। सच बोल के बताइए दिल्ली के लिए क्या करेंगे? अरे दिल्ली के लिए हमारा जैसा तो दिल्ली के लिए किसने कराया बताइए आप? भ्रष्टाचार के आपके जेल गए हैं, कौन सा मिनिस्टर हमारा जेल गया खुलेगा आपका? गरीब में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, हमने पानी दिया, सड़कें टूटी हुई है दिल्ली में, पैसों वाले के लिए बना दिया आपने तो हो गया क्या? दिल्ली में बिजली है, गरीब आदमी मर रहा है, हमने बसें ला के दी,
दिल्ली में एसी बसें उल्टे सीधे पैसे लगा के लोगों से पैसे वसूल किया। पांच साल इनकी बीजेपी की सरकार रही, उन्होंने पांच साल में क्या करा, 15 साल में हमने मुकेश जी थोड़ी सी तो तारीफ कर दीजिए आप। नहीं, साथ नहीं, दिया मैं पहले मेट्रो ट्रेन का ये लेके आए थे, बोलने देंगे तब तो। नहीं, ना विकास की बात कर रहे हैं आप मेरे बीच में, मैं आप बोल रहे थे मैं कूदा नहीं, पहले एक बात करने की बात रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, धैर्य का परिचय दीजिए आप, सरकार बनाई है कांग्रेस की सपोर्ट से, आप धैर्य का परिचय दीजिए। हमने पहले भी कहा था इन्होंने काम किया है, इन्होंने बहुत मेहनत की है और ये विकास जो हुआ वो कई डायरेक्शन में हुआ है, जिसमें भ्रष्टाचार भी शामिल है। आप मेरी पहले बात पूरी हो जानी चाहिए, आपके चार दिन में इन्होंने आपका साथ नहीं दिया था। आप धैर्य से सुनिए, धैर्य का परिचय दीजिए, बीजेपी को दूसरे की बात में रंग मत डालिए। जब तब नहीं कही थी, हमने शीला दीक्षित के खिलाफ वहाँ पे कंप्लेंट की थी, एफआईआर दर्ज कराई थी, आज बुकलेट जारी कर दी, भी दर्ज कराया था, ने प्लानिंग बना ली, आप कह रहे हैं कि बीजेपी को रोकने के लिए, तब आपने क्यों लिया था? कहा था हमने, तब क्यों लिया? हमने लिया था, इन्होंने कहा अनकंडीशनल दे रहे हैं, लोगों ने कहा आपको अगर मेजोरिटी बना सकते हैं, हजारे जी का जब आंदोलन दोनों चला रहे थे, हमारा वो एजेंडा है, तो उसके पीछे आरएसएस और बीजेपी थी, और जो आंदोलन चल रहा था ये करना क्या है, ये राजनीतिक साजिश थी हमारे बारे में बात को बदनाम करने के लिए, और ये आज किरण बेदी का बीजेपी ज्वाइन करने के बाद, और इनका जो भी एक आध दो सीट आएगी वो ये साबित हो गया। मुकेश जी, अरविंद केजरीवाल उन्होंने जनता दरबार लगाया, उनको वहां से भागना पड़ा, आखिर क्यों? आशुतोष को दीवार फांगनी पड़ी, आखिर क्यों? हमने कई सर्वे किए हैं, हमने कई गलतियां मानी हैं कि हमने ये गलत किया है। देखो, हमने पहले भी कहा था जिनको जल्दी थी वो चले गए, जिन लोगों को पद चाहिए था तुरंत पैसा चाहिए। अरे मैं कहता हूं अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर, क्या दिक्कत है इनको? इनको अरविंद केजरीवाल से शिकायत है? अरे आप अरविंद केजरीवाल के लिए आए हो या देश के? एक मिनट सर, आप देश के लिए आए हो या अरविंद केजरीवाल के लिए आए हो? क्या अरविंद केजरीवाल हो गया? आप बाल ही करेंगे जब आपको इनसे झूठ बोलते हैं। आज केजरीवाल किसी और बीजेपी साहब बैठे हमारे क्रिटिसिज्म कर रहे थे, यादव साहब बैठे एक छोटा सा प्रश्न, स्वागत है सर। अभी आप कह रहे हैं परीक्षा लीजिए, हम दोनों में से बीजेपी या आप में से कोई सरकार बनाएगा? नहीं, अन्ना को सीसी ही बनेंगे, जब कोई कैंडिडेट है ही नहीं। नहीं नहीं, यानी आप लोग अब पाला बदल रहे हैं, मतलब कि आप समर्थन दे और लेने ना, इससे ये सिद्ध होता है कि जो हमने पहले आरोप लगाए थे कि अन्ना जी के जो आंदोलन के पीछे संघ और बीजेपी है, वो इस समय सिद्ध होते हैं। और ये जो केजरीवाल जी हैं, संघ के प्रमुख से क्यों चुपचाप मिलने गए थे? क्या इसके पीछे राजनीति थी? और बार बार कहते थे कि हम हमारा राजनीतिक से कोई लेना देना नहीं है, कि चर्चा संघ पे हो, सारे मेजोरिटी वोट एक तरफ आए, विकास की बात नहीं करेंगे ये, इनको विकास की बात नहीं करनी। राणा जी, संघ में चला गया, अब आप उधर उनसे बोलिए, अब दो मिनट हो जाओ शांत, हमारी बात सुन लो। देखो, एक तो हमारे आदरणीय भाई राजेश यादव ने कहा था कि ये दोनों अन्ना जी के शिष्य हैं, इसमें कोई शक नहीं उनके शिष्य हैं। उनसे नहीं पूछा, इससे मैं असहमत हूँ इनसे, क्योंकि उन्होंने फ़ोन किया, कई बार फ़ोन किया, ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। तो अब मेरी बात सुनो सर, मैंने आपकी बहुत ध्यान से सुनी। जहाँ तक केजरीवाल जी का विषय है, वो तो जब उनका अपॉइंट IIT की इंजीनियरिंग करी तो इंजीनियर बन के कभी कुछ नहीं किया, फिर IRS बने, रेवन्यू सर्विस, वहाँ ट्रेनिंग व्रेनिंग सरकार का पैसा खर्च कराया, वहाँ से भाग छूटे। उसके बाद अन्ना जी का सहयोग लिया साहब, अन्ना जी को बड़ा एकदम भाई की तरह रहा, वहाँ उनको छोड़ के भाग गए। उसके बाद दिल्ली में सरकार बनाई, उसको छोड़ के भाग गए, और आज जब नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, सारी जनता बिचारी वहां बुला रही है, जनता दरबार लगाया, वहां से भी भाग गए, वहां से भाग गए। अच्छा अच्छा, एक मिनट, अभी मुझे क्या डाउट है, देखिए घोड़ा साबित कर दिया जनता, इनका इतिहास ये रहा है, इनका इतिहास केजरीवाल का इतिहास ये रहा है, तो प्रधानमंत्री क्यों मनाते हैं? हर बड़े आदमी को चुनौती देता है, मुझे शक है कि प्रधानमंत्री वो आज आज किरण जी की कांस्टेंसी घूम रहे थे, मुझे ये शक है कल को नॉमिनेशन करने वहां ना पहुंच जाए कि भैया मैं यहां से नहीं लड़ रहा,
मैं तो आपको क्यों घबराहट हो रही है उनके सामने? मैं कहूँ लड़ना चाहिए, आपको लड़ना चाहिए, क्योंकि कल जैसे फोटो लगाया आपने, हम तो पहले ही घोषित कर चुके हैं मुझे सीएम बनाया, आज हमारा सीएम फोटो लगाए, साथ घूम लड़ती जाके नहीं देखा, आज सर्वे आ रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं हम, किरण बेदी लड़ती नहीं, आप तो खुला चैलेंज करते आए हैं अब तक, आपका तो हार जाए करके। विपिन जी ये दोनों भाई हमारे बैठे हैं बीजेपी आपके, इनका जब आंदोलन चल रहा था अन्ना जी का, तो काला धन का इनका मेन मुद्दा था, काला धन लाएंगे। अब दोनों ही यहाँ पर दिल्ली में कैंडिडेट हैं सीएम के, काला धन तो कांग्रेस के पास है, सारा धन कांग्रेस के पास है भैया, हमारा है सारा धन की है, सारा धन तो आपके पास है, लो देश में चाहे विदेश में आप ला दो भैया, जो आपके बगल चेहरे पे नहीं होगा, चर्चा बहुत हो चुकी है और आगे चलेंगे, ठीक है, एक मिनट कांग्रेस के पास राजेश यादव, इस पर भी चर्चा होगी हमारी, प्रधानमंत्री चर्चा होगी आज नहीं, बाद में करेंगे इस पर चर्चा। पुष्प रंजन जी एक सवाल आपसे पूछना है मुझे कि अरविंद केजरीवाल देखा है जब से आए हैं राजनीति में सक्रिय हुए हैं, भागे भागे फिर रहे हैं, कहीं स्टेबिलिटी नहीं है, स्थिर नहीं रह पा रहे हैं, और जो बड़ा चेहरा उसको चुनौती दे देते हैं, आखिर ऐसे कैसे बात बनेगी, कैसे जनता भरोसा करे दोबारा इस तरीके से, क्योंकि कहीं स्थिरता तो चाहिए। देखिए पॉपुलिस्ट बनने के लिए टेक्निक है राजनीति में, जो लोग ताजा ताजा आते हैं तो उनको लगता है कि छा जाए, लोग जान जाए उन्हें, तो ये एक तकनीक का एक हिस्सा हो सकता है, रणनीति का उनका हिस्सा हो सकता है। आज मैं सुन रहा था संबित पात्रा का बयान, उन्होंने दो बातें कही, एक उन्होंने कहा कि आयरन लेडी के मुकाबले आई रन मैन खड़ा है केजरीवाल को। तो आयरन लेडी उन्होंने, देखिए आयरन मैन तो हमने सुना था सरदार पटेल, और वो वाकई उसके लिए डिजर्व करते थे जी। कि उन्होंने पूरे अलग अलग राज्यों को मिलाया, देश के लिए बहुत बड़ा बड़ा काम किया उन्होंने। आयरन लेडी जो हमारी मुख्यमंत्री इन वेटिंग है इस समय, उनका मैं दो चार मिसाल देना चाहता हूँ। इस समय 1988 में एक वकील थे राजेश अग्निहोत्री जी, उनको बाथरूम में कुछ गड़बड़ी उन्होंने की थी, तो उस आरोप में दिल्ली पुलिस तब यहाँ पर थी, वो उनके चार्ज में थी, तो उसे हथकड़ी लगा के राजेश अग्निहोत्री को काफी घुमाया वहां पर, तो उस पर वकीलों ने प्रदर्शन किया, फिर उस पर एक जांच कमेटी बैठी, वाधवा कमीशन उसका नाम था, उस वाधवा कमीशन को भी इन्होंने कोऑपरेट नहीं किया था, किरण बेदी उस समय सीनियर पुलिस ऑफिसर थी दिल्ली की, और फिर वाधवा कमीशन ने भी आलोचना की थी ऑन द रिकॉर्ड, किरण बेदी की आलोचना की थी कि वो एक रिस्पॉन्सिबल पुलिस ऑफिसर की भूमिका में नहीं थी। 2011 में लोकपाल बिल पर उन्होंने संसद पर कटाक्ष किया था कि ये लोकपाल बिल जो संसद में आ रहा है ये लोकपाल बिल नहीं जोगपाल बिल है, पूरे हाउस की आलोचना उन्होंने, मतलब कि इसका मजाक उड़ाया था। बिल्कुल। आज सीएम के रिस्पॉन्सिबल पद पे होने की उसमें है। उसके अलावा वो मिजोरम में 1992 में जब सीनियर पोस्ट पे थी वहाँ पर, उस पीरियड में उनकी लड़की का यहाँ लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में दाखिला कराया था मिजोरम कोटे से, नॉर्थ ईस्ट के कोटे से कराया था, जबकि ये गलत था, बाद में वो लड़की ड्रॉप आउट हुई थी। आपके आदमी को तो बुलाने की जरूरत नहीं है, तो आप एक ही हो रहे हैं, क्यों नहीं दूंगा मुझे तथ्य आपसे, ये किरण बेदी से क्या लेंगे ना, एक वकील अगर आप गलत काम कर रहा है उसको अरेस्ट करके ले जा रहे हैं, अरे आप पहले और सुन लीजिए और सुन लीजिए क्या, पर आप एक वकील गलत नहीं लगा सकते, अच्छी बात क्यों नहीं लगा सकते, अच्छी बात बताएंगे ना उनका, आपको पता नहीं है, आप मीठा मीठा खाना चाहिए, कड़वा नहीं खाना चाहिए, मीठा मीठा नहीं, आप और भी सुन लीजिए, फिर उनकी तारीफ भी मैं कर रहा हूँ, बहुत अच्छी महिला है, उनकी तारीफ भी मैं कर रहा हूँ। हाँ, उसके बाद गोवा में वो पोस्टेड थी, उन्होंने सर्विस को बीच में ही छोड़ के, क्योंकि उनकी छुट्टी ग्रांट नहीं थी, बीच में ही जॉब उन्होंने वहाँ से अपने ले लिया, मतलब विड्रॉ कर लिया वहाँ से, दूसरी जगह पोस्टिंग कराई उन्होंने, ऑन द रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि आपने छुट्टी सेंक्शन नहीं किया था इसलिए हम जा रहे हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी वुड बी सीएम का, ठीक है, उन्हें मैग्सेसे पुरस्कार मिला, देश की पहली महिला आईपीएस रही हैं, केजरीवाल की बताओ ना, उसको उसका भी इतिहास बताओ, केजरीवाल के इतिहास आइए नहीं, उस पे क्यों नहीं बोलना चाहते हो, आप लोग सब काम के एडवोकेट हो, उसका पूरा बैकग्राउंड बताओ, वो कहां से आपके यहां, अरे आपकी पार्टी में क्या स्थिति है, आप इतिहास बता रहे, आज आपकी पार्टी में क्या स्थिति है, आज आपकी पार्टी में जो पार्टी का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है उसको टिकट आप नहीं दे रहे, आप उसके
वहाँ घिराव कर रहे हैं पार्टी में? आप अपने विषय में बताइए ना, जब आप एक नेता का बता रहे हो तो दूसरे नेता की बताओ ना, वो क्या कर रहा है? दूसरे नेता ही कोई बख्श रहा हूँ उसको? राणा साहब बात सुनिए, धैर्य, आप तो सुनना नहीं चाहते, आपको तो आलोचना बुरी लग रही है, यही तो गलत बात है। वकील अगर वो गलत व्यवहार करता है बाथरूम में जाके कुछ कर रहा है, अरे अधिकारी एक्शन ले रहा है, आप हथकड़ी लगा को आप आलोचना कर रहे हो, यानी बाधवा कमीशन ने गलत काम किया, आप उस आदमी उसको लेडी को यानी बाधवा कमीशन जो कमीशन बैठा था बोलोगे कमाल की बात, जो गलत काम कर रहा है कमीशन होते हुए। एक प्रक्रिया होती है राणा साहब, कानून की प्रक्रिया। राणा साहब सवाल ये है, राणा साहब सवाल ये है कि मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा, सुषमा स्वराज जैसे सीएम रहे हैं दिल्ली के आपकी पार्टी से, तो आखिर क्या कोई चेहरा नहीं बचा था? क्या किरण बेदी का ही इंतजार हो रहा था? सवाल ये है। देखिए, इसमें हमारे पार्लियामेंट बोर्ड है और हर पार्टी की एक रणनीति होती है। जब तक हमने सीएम डिक्लेयर नहीं करा था तो सारी पार्टी एकदम बवाल मचा रही थी, हमारे एक आदमी का फोटो लगा रखा था, भाई जब डिक्लेयर कर दिया तो डिक्लेयर क्यों कर दिया, ये वो है, अरे अब आप फिर फोटो लगा लो और थ्री व्हीलर की एक बात और कहना चाहता हूँ भाई, राजनीतिक आदमी तो है ही नहीं, वो तो मने करते हैं, मैं तो सामाजिक परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन, ये सब बातें करते हैं। एक अच्छी चर्चा करें, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा, इस पर चर्चा हमारी जारी, छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं। चर्चा हम कर रहे हैं दिल्ली में किरण वर्सेस केजरीवाल का मुकाबला, वाकई में दो पुराने साथी और आज आमने सामने, और सबसे बड़ी जो दिलचस्प बात है कि दोनों को एक दूसरे की हकीकत पता है, और इसीलिए शायद किरण बेदी ने अरविंद केजरीवाल की चुनौती से इनकार कर दिया, शायद उनकी नब्ज को पता होगा, वो पहले टटोल चुकी हैं, ये तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है कि अरविंद केजरीवाल नामांकन भरने जाते हैं, रोड शो होता है, नामांकन नहीं करते, पहुंच जाते हैं कृष्णानगर सीट रैली करने के लिए, आखिर क्यों? मैं चाहूंगी मुकेश जी आप इस पर जवाब दें। एक बार फिर प्रश्न दोहराइए। प्रश्न ये है कि अरविंद केजरीवाल आज नामांकन करने गए, नहीं किया, पहुंच गए कृष्णानगर रैली करने के लिए, नहीं कर पाए। उस रैली में आज करीब 15,000 की तादाद थी और जो ट्रैफिक जाम हुआ चारों तरफ से, तो 3 बजे तक ये वहाँ पे पहुँच नहीं पाए उसके चलते, तो उन्होंने कहा कि आज नामांकन रद्द करते हैं। और कृष्णानगर की रैली 6 बजे थी शाम में,
तो 3 बजे तक ही आप नामांकन दाखिल कर सकते हैं, तो अब कल करेंगे, तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, नामांकन ना दाखिल करें तो और लोगों को खुशी होनी चाहिए। नहीं, ये जो यू टर्न आया है, उनको यू टर्न कहा भी है कांग्रेस ने, और आज नहीं, आज जो लिया है कि नामांकन की कई बार ऐसा होता है, रोड शो तो और भी उम्मीदवारों ने इससे भारी भरकम मफलर लगाए, नामांकन का फायदा हुआ है, ये तो परंपरा केजरीवाल ने शुरू कर दी, दिल्ली के सीधे वहां पहुंच गए। नहीं, आप ऐसे संवाद करोगे क्या? ऐसे टेलीविजन चैनल चलेगा? नहीं, आप दुखी नजर लग रही हो, गलत बात कर रहे हैं। मीडिया आपसे एक हिसाब से नहीं चलेगी, हालांकि भीड़ बहुत था, लेकिन मौजूद था, लेकिन आपसे हिसाब जरूर पूछा जाएगा। मैं मौजूद था वहाँ, मैंने कहा भीड़ इतनी ज्यादा हो गई, सबका हिसाब ये पूछते हैं, इनसे कोई हिसाब नहीं हो सकता। ये गैर जवाब दिया भाई, ये साबित हो चुका है, ये गैर जिम्मेदार लोग हैं। स्टैंड नहीं कर रहे, मीडिया को मुट्ठी में करना चाहते हैं। मीडिया आपके हिसाब से तो चलेगा नहीं, चैनल आपके हिसाब से तो चलेगा नहीं। क्या मीडिया बिकाऊ है कि मुट्ठी में कर लेंगे? नहीं, ये अच्छा, आज आपको मीडिया बिकाऊ लग रहा है, आज आपको मीडिया बिकाऊ लग रहा है, आप बिकाऊ है मुट्ठी में कर लेंगे। आप इंडिपेंडेंट सुन लीजिए, आप कॉन्फिडेंट रहो, देखो अगर मजबूत हो, सुन लीजिए आप, विमलेश जी एक सुन लीजिए, पुष्प रंजन जी सवाल, दो छोटे प्रश्न। क्या आज अरविंद केजरीवाल को एक जिम्मेदार आदमी जो मुख्यमंत्री बनने था और बनने जाने की कोशिश कर रहा है, उस व्यक्ति को आज के दिन अगर नामांकन दाखिल करना था तो रोड शो में आपको जाके अपना शक्ति प्रदर्शन दूसरे इलाके में जाके करने की जरूरत थी, या आपको पहले जाके नामांकन दाखिल करना था? एक प्रश्न। दूसरा, आप वोटर से कहते हैं कि पैसे ले लो, जिस जो पार्टी आ रहा है ले लो, उससे पैसे नहीं देता है उसके दफ्तर जाके वहाँ से पैसे ले लो, क्या ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? क्या आप जनता को भ्रष्टाचार की तरफ नहीं धकेल रहे हैं? चुनाव आयोग आप जनता को गैर जिम्मेदार नहीं मना रहे हैं? जवाब सुन लीजिए, प्रश्न किया, आप जवाब दीजिए, जवाब सुनिए। पहला, जो वो आज जा रहे थे, अनएक्सपेक्टेड भीड़ वहां आई थी, पुलिस ने कहा कि आप ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं कर सकते, वहाँ से आ गया कि 3 बजे के बाद आप नहीं आ सकते। इतनी उम्मीद नहीं थी हमें कि 15-20 हज़ार की भीड़ आ जाएगी, तो जनता के हित को देखते हुए हमने वो चीज़ कहा कि आज नहीं, हम कल करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, अभी टाइम है। ऐसा ना हो कि दिल्ली की पूरी व्यवस्था चरमरा जाए। कार्यकर्ताओं से हमने अपील की कि आप वापस चले जाइए, वहाँ मैं खुद मौजूद था, हमने बहुत कोशिश की कि इससे निकल के जाए, उत्साह इतना ज़्यादा। एक मिनट सर, मैं जवाब दे दूँ। दूसरा प्रश्न जो आपका काम क्या, आप तो जवाब ही दे दोगे, जवाब दे दोगे, कि आप सिर्फ क्रिटिसिज्म की राजनीति करेंगे। दूसरा जो उन्होंने कहा है, उनका मुख्य उद्देश्य ये था कि पैसे नहीं लेना है, क्योंकि जब पार्टियों को पता चलेगा कि पैसे लेंगे और वोट नहीं देंगे तो कोई पैसा नहीं देगा। आप इंटेंशन देखिए, पैसा नहीं लेना है किसी से, पैसे लेकर वोट नहीं देना है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को वोट देना है। आप जब भी पार्टियों को पता चलेगा कि पैसे मिलेंगे और ये हमें वोट नहीं देंगे, कोई पैसा नहीं देगा, पैसा देता है वोट के लिए। तो क्या दूसरी पार्टियां एक्सेप्ट करती है कि वो पैसे देंगी? आप बताइए कि वो क्या राणा जी आ रहे हैं आपके पास, पहले आपके पास ही आ रहे हैं, फिर ये बहस का मुद्दा कहां है? और जवाब नहीं, देखिए भारतीय राजनीति का दुर्भाग्य है कि मोदी जी अमेरिका जाते हैं तो वहां लंच करते हैं तो उसकी 50 लाख फीस होती है, लंच करने की किसी को बुलाते हैं। अरविंद केजरीवाल यहाँ पर नाश्ते के लिए बैठते हैं तो 25,000 से लेकर 50,000 लेते हैं। क्या और कोई रास्ता नहीं है बिना पैसे के? आप जनता से नहीं वो ऐसा कोई वो लंच वीआईपी के लिए था, आम लोगों के लिए नहीं था। मैं आपको बताता हूँ, इसका जवाब दूं। नहीं, अब जो केजरीवाल ने लंच के लिए व्यवस्था की है वो ये की है, पैसे तो लोग वैसे भी दे देते हैं, लोगों की समस्याएं जानने के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपके मुद्दे क्या हैं? आपसे हम बात, तो समस्या उन्हीं के जो 20,000 रुपए की और किसी की समस्या नहीं है। चार पैसे देंगे, एक तरफ पैसे आएंगे, देखो दो बात दिया जाएगा। मैं दो तीन बात मैं चैलेंज करता हूं यहां पे, देखिए देखिए कांग्रेस और बीजेपी अपने अल्लाह के चंदे का किससे लिया? वेबसाइट पर एक मिनट आप गरीबों की बात करते हैं, गरीबों के बीच में नाश्ता क्यों नहीं आपका होता है? गरीबों के बीच में नाश्ता होता है उनके लिए, आता नहीं है
गरीबों के बीच में केजरीवाल रात में जाड़े की ठंड में झुग्गियों में सोए हैं, वहाँ के लोगों से वार्ता की है, पर ये बाहर नहीं आता क्योंकि ये न्यूज नहीं बनता। यहाँ अंबानी और अडानी के साथ आप लंच कीजिए तो आपका न्यूज बनता है। आप उदाहरण बन जाइए ना, झुग्गी झोपड़ी में कहीं अरविंद में रहे अरविंद केजरीवाल, आपको पता नहीं है मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल, उन्होंने रिसर्च किया है जिसके लिए उन्हें मैसेज से अवार्ड भी मिला है, शायद आपको पता नहीं है। आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल हम आए थे राजनीति के बारे में बहस कीजिए, आप ऐसे ऑफ व्हाइट क्रिटिसिज्म मत कीजिए। मैसेज से अवार्ड अरविंद केजरीवाल को में काम करने के लिए मिला है, आपको पता होना चाहिए। जी वो जब मिला था तब मिला था, अभी राजनीति में तो उसी की बात यहाँ कर रहे हैं, वो अभी भी झुग्गियों में घूम रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर ने किया बिल्कुल, हम बिहार में कर्पूरी ठाकुर ने झुग्गी में मुख्यमंत्री रहते हुए एक मिसाल मोदी साहब ने सफाई अभियान के बारे में बोला, वहाँ गए हमने सफाई की, हमने समर्थन किया राजनीति का, हम अच्छी राजनीति का समर्थन करेंगे। राजनीति का स्तर इतना गिरा दिया है केजरीवाल जी ने। अब आप ये बात करते हैं, आपने देखा हो 26 जनवरी के पास एज ए सीएम उन्होंने धरना इसलिए किया क्योंकि 2-3 पुलिस वालों को ट्रांसफ़र करवाना था या छुट्टी पे भिजवाना था, एक मुख्यमंत्री होते हुए ये। अब आज आप ये कह रहे हो कि इनको टाइम पे पहुँचा, ये गैर जिम्मेदार लोग हैं, आपने वही दुखती नजर ही जब इनकी दबा दी तो इन्हें तकलीफ तो होनी ही। तो ये आदमी ये साबित हो गया, दिल्ली के लोगों को मालूम है ये गलती करते हैं, माफ़ी मांगते। तो ऐसे गैर जिम्मेदार आदमी को दिल्ली के समझदार लोग सत्ता नहीं देने वाले, और ये मालूम है इनको। इसीलिए आज जो केजरीवाल जी सदैव ये भी देखो सब डिबेट की बात करते हैं, अरे कुछ काम क्या होना, क्या योजना है, क्या प्लानिंग है, ऐसा इनके पास क्यों योजना ही है। हम लोगों ने तो देश में साबित कर रखा है मोदी जी ने गुजरात में कि क्या काम करना है, कैसे विकास करना है, वो सब हमारे पास योजना है। बिजली ये फ्री देंगे, बिजली होगी नहीं, बिजली कहाँ से आएगी, इनके पास कोई योजना नहीं है। हम लोग वो योजना तैयार कर रहे हैं भाई, सबको गरीब को घर मिले, पानी के बिल आगे तो जरूर कर देंगे, ये 30% कम नहीं, ये कुछ नहीं करेंगे, बिजली गायब हो जाएगी भाई, बिजली नहीं आएगी, ये हमारे बारे में बात करेंगे, कम हो जाएगा, आपके पास एक बार योजना, आपके पास जितनी भी योजना है जवाब दीजिए आप, आपके पास जितनी बीजेपी के पास जितनी योजना है उसमें एक और योजना है, बच्चे पैदा करो, 10 बच्चे मोदी जी का बयान नहीं है, आप लोगों का ये मोदी जी का बयान नहीं है, मोदी जी ने बयान दिया क्या अपने बारे में, नहीं बोलेंगे आप, ये बताइए मोदी जी का बयान नहीं रुकते, इस पर लंबी बहस हो सकती है, इस पर लंबी बहस हो सकती है। केजरीवाल क्या बोल रहे हैं कि आपकी पार्टी का एजेंडा है, नहीं हमारी पार्टी का नहीं एजेंडा, ये आप इसकी भर्सना कीजिए, इस पर लंबी बहस हो सकती है, हमने हाथ जोड़कर कहा कि हमारी गलती है, वही हम नहीं करेंगे। राजेश जी मेरा सवाल ये है कि अरविंद के जब अभी किरण बेदी का ऐलान हुआ कल, जिस तरीके से अमित शाह ने किया सीएम पद के लिए, उन्होंने पहले उनको कंग्रेचुलेशन कर दिया, फिर खुली चुनौती के लिए उन्होंने ऐलान कर दिया, चुनौती दे दी बहस के लिए, और दूसरी बात ये कि आज रोड शो किया नामांकन के लिए, इससे पहले आपने परंपरा देखी है या नहीं देखी है भी आप बताइएगा, उन्होंने नामांकन करते नहीं है ये बताया जा रहा है कि इतनी ज्यादा भीड़ आ गई थी कि वहां से काफिले में से निकल ही नहीं पाए इसीलिए, और वहां पहुंच गए सीधे कृष्णनगर सीट। केजरीवाल का जो सुबह से ही नामांकन पत्र के मूड में नहीं थे वो, कहीं ऐसा ना हो कि कृष्णनगर सीट से नामांकन करते नई दिल्ली सीट छोड़कर, बड़ी घबराए हुए ऐसा भी लड़ो ना, हिम्मत कर लो ना, जब तक पता लगी लड़ाते ना उनसे, लड़ाओ वहां तो डिक्लेयर है नहीं, ऐसे हम लोग सोच समझ के करते हैं, आप इंडिया डीजल लेते हो, अरे तो आप आओ ना लड़ो, हम कुछ नहीं करते, ठीक है जवाब सुन ली राजेश जी, इनके सुबह से मकसद ही नहीं था, यू टर्न लेना इनका काम है, अंतर और ये एक मकसद से ये लोग करते हैं, जैसे परिचर्चा कर लो कोई तो वो दिल्ली का जो प्रदेश अध्यक्ष का या हमारे सीएम लेवल का कोई आदमी होगा उसका नाम नहीं लेंगे, सीधा राष्ट्रीय अध्यक्ष को, सोनिया जी हमसे बहस करें, राहुल जी हमसे बहस करें, तो छोटे लोगों से बात नहीं करते हैं केजरीवाल ना, ठीक है जो राष्ट्रीय बिजनेस में होता है, केजरीवाल छोटे लोग हैं ये कहां बहस करेंगे, ना केजरीवाल छोटे लोग नहीं है, केजरीवाल बड़े लोग हैं, केजरीवाल यूटर्न वाले लोग हैं, केजरीवाल क्या है, इतने बड़े वादे कर देते हैं, इतने मोदी के बाद मोदी जैसे सपने दिखा देते हैं, आधी बिजली कर देंगे आधी पानी कर देंगे, अरे हमने तो आपको समर्थन दिया था, क्या बात हो गई आप भाग गए, हमने मांगा नहीं था आपका समर्थन, अरे दिया हमने मजबूरी में लिया, लिया क्यों फिर आप इतनी बढ़िया थे, और बच्चों की कसम खा गए,
कि हम बच्चों की कसम खाते हैं समर्थन न लेंगे न देंगे, तो कहां आपका वो और कोई मुद्दा नहीं है, माफी मांग ली है, अब आप उसी को रगड़ रहे हैं, सांप चला गया, छोड़ के भागते हैं आप इसको, क्यों यहां से छोड़ के भागे मैदान, वो भी दो सीट नहीं आएगी, आपने इतने बड़े बड़े वादे कर दिए कि आप पूरे 5 साल में भी और 10 साल भी मिल जाते तो उन वादों को पूरा नहीं कर सकते थे, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आपका ये शुरू से अन्ना जी के साथ जब रहे, जब से लेके और राजनीति में जब आपने पार्टी बनाई मुख्यमंत्री बने तब से लेके आपका एक ही यही नेचर है, कहीं चेंजिंग नहीं आई है। अरे झूठ बोलना ठीक है, जब आप अन्ना जी गुरु जी के साथ नहीं रहे, प्रदेश की जनता, जनादेश अगर वैसा ही है जैसा पिछली बार आया था तब आप लोग समर्थन देंगे आपको ना? अभी अब हमारे जो विधायक हैं जो कंपटीशन में पहले नहीं चुन के आएंगे और वो बात होगी, पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगी और विधायकों की जो बैठक के बाद वो क्या है, वो बात की है, आते हैं नहीं आते हैं तो बाद का प्रश्न है, नहीं कहीं वही स्थिति फिर आई है, देखिए एक छोटी नहीं आएगी तो उस समय विचार किया जाएगा। अभी अभी जब विधायक चुन के आते हैं क्या पता किस जरूरत हमें ना पड़े किसी की जी, हमारे हमें इतना मुकेश जी किससे समर्थन लेंगे, इतना काम करा है, मुकेश जी से पूछ लेते हैं समर्थन लेंगे, पिछली बार भी आप तो दोनों दलों ने समर्थन की पेशकश की थी, तो गड़बड़ हो गया उस बार, इस बार कुछ नहीं बोलेंगे, पहले क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, संवाद का स्तर देखिए दोनों पार्टियों में, पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो डिसाइड करेगी, मोदी के मामले में नहीं डिसाइड करेगी, जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट मोदी के बारे में गलत, आप ये गलत गलत बयान नहीं कर सकते, ये मोदी का पार्लियामेंट बोर्ड ने डिसाइड करा, हाँ बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, आपको आपको नॉलेज नहीं है, आप लोगों को झूठ बात को भी सबके सामने रखते हो, अरे भैया पार्लियामेंट बोर्ड ने फैसला करा, अरे हमें मत सिखाओ राजनीति, हम बच्चे हो जब से हम राजनीति कर रहे हैं, हमें राजनीति सिखाने की कोशिश कर लिया, तुमने राजनीति क्या है एबीसीडी नहीं मालूम तुम्हें, राजनीति इंदिरा गांधी बने और जवाहरलाल नेहरू तो पार्लियामेंट आपने जवाहरलाल नेहरू का नाम लिया, बिल्कुल जनाब जवाहरलाल नेहरू जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तो पार्लियामेंट बोर्ड ने बनाया था उनको, मैं वही तो कह रहा हूँ, दूसरी बार क्या हुआ, हमारे यहाँ जरूरत नहीं पड़ती है, बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, ना मुख्यमंत्री में पड़ती है ना प्रधानमंत्री में पड़ती है, मनमोहन सिंह अभी का उदाहरण है यूपीए 2 के, हमें जरूरत नहीं पड़ती है, दूसरी बार में मनमोहन सिंह आपके उम्मीदवार थे आपको याद नहीं है, तुम्हें चुनाव लड़ा जाता है या प्रधानमंत्री जो सुविधा होगी वही नियम बनेगा, और जब लगेगा कि लुटिया डूब गई तो किरण बेदी सामने आ गए, पार्लियामेंट में बोर्ड आ गया। जी बीजेपी का ये कहना है कि आपका मतलब आम आदमी पार्टी नहीं है, ऑल अबाउट पब्लिसिटी है, मैं कहता हूं बीजेपी का मतलब है भाषण, जे से झूठ और पी से प्रोपेगेंडा, यही काम इन्होंने किया है, करना कुछ नहीं है। अभी एक छोटे बच्चे का जोक आया था जी, मोदी जी ने क्या किया, उन्होंने कहा जी बहुत अच्छा भाषण देते थे, तो बोला आगे क्या करेंगे, तो 26 जनवरी को बहुत अच्छा भाषण देंगे, एक प्रधानमंत्री था जो बोलता नहीं था, एक है जो चुप नहीं होता घूमता रहता है, अरे काम तो ग्राउंड पे दिखाओ, काला धन कहां है, 15 लाख रुपए जो मेरे अकाउंट में आने थे, अभी अभी वो कहां गया जो विकास मुद्दा था और 4 बच्चे और 10 बच्चे पैदा कर रहे हैं, ये साधु इनको मेहनत तो कर रहे हैं ये, लेकिन ये अपने लोगों को चुप कराने में मेहनत कर रहे हैं, तुम चुप रहो। अरे भाई जो मुद्दा लाए थे 7 महीने आपको दिल्ली दी एलजी के 49 दिन इन्होंने प्रोपेगेंडा हमने बड़ा किया, ये किया ब्लूप्रिंट हुआ आपने कुछ नहीं हुआ, आपने जब लगा कि लुटिया डूब गई इज्जत बचानी है तो किरण बेदी हमारे मुकेश जी जो सेकंड हैंड मटेरियल है मुकेश जी को आप खड़ा कर, मेरी बात सुनो, फर्स्ट हैंड मटेरियल कितने हैं ये उसका प्रधानमंत्री को आप सेकंड सारे लोग भ्रष्ट हैं आपके, किरण बेदी ने ट्विटर पर अरविंद केजरीवाल को 1.5 साल पहले ब्लॉक कर दिया था, अब वो कह रहे हैं कि अनब्लॉक कर दीजिए, आखिर क्या जरूरत है, फॉलो क्यों कर रहे हैं उनको, क्यों डरते हैं आप, मैं आपको कह रहा हूँ आपसे संवाद ही तो करेगा, कोई हाथापाई तो नहीं हुई ट्विटर पे, नहीं आप सेकंड हैंड मटेरियल अरविंद केजरीवाल ने पिछली बार आपने ही रिपोर्ट की थी, एक मिनट सर, कि ये मुख्यमंत्री ध्यान से सुन लीजिए 49 दिन इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत सारी समस्याएं इन्होंने हल कर दी, मैं इससे सहमत हूँ, उसके बाद उन्हीं जो काम किए थे उनको लेकर ये दिल्ली के जनता के पास गए और देश की जनता के पास गए कि साहब केजरीवाल जी ने 49 दिन में स्वर्ग बना दिया दिल्ली, हमने मान लिया साहब बना दिया, इन्होंने सारी समस्या हल कर दी, बिजली की पानी की सड़कों की सारी समस्या बेरोजगारी की सारी हल कर दी, मैं इससे सहमत हूँ, उसको लेकर ही ये जनता के पास गए। मैं पूछना चाहता हूँ
बुरी तरह सब जगह हार गए, क्या कारण रहा लोकसभा में? नहीं नहीं, अरे जवाब तो तुम्हें सब कुछ देंगे, पर हाँ हाँ आप सुन नहीं पाएंगे, आपको बुरा लगेगा। देखिए तुम तो 7 महीने हो गए। देखिए मोदी जी ने भी कह दिया कि झूठ का पुलंदा है, 7 महीने झूठ का पुलंदा। अरे लोगों को पता चला, अरे हमारे 7 हफ्ते तो बहुत अच्छे थे। देखिए आप बात सुनो, पुलिस वाला हटा लेने आया, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, हमने क्या किया, मेरी बात सुनो हमने क्या किया उसका जवाब जनता ने दिया, महाराष्ट्र में दिया, हरियाणा में दिया, उसमें दिया, अब दिल्ली में देगी। हमने क्या किया किसी पार्टी से नहीं, हाँ तो आप देख रहे हैं इसके लिए 60 सीट आएंगी आपके सिसोदिया साहब के बारे में होने वाली है। ठीक है, पुष्प रंजन जी से मेरा ये सवाल है जो अभी कहा इसी से रिलेटेड है कि ये परंपरा क्यों बदल गई 2014 आम चुनाव से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेहरा बनाया गया आम चुनाव में। अब तक जिस स्टेट में विधानसभा चुनाव हुए हैं वहां पर चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, दिल्ली में आखिर ये परंपरा क्यों चेंज हो गई? दो चीजें दिख रही हैं, जैसे कि मोदी जी भी एक ऐसा समय है कि दबाव में आ गए, नहीं तो ये रणनीति थी कि भाई किसी तरह से हम इस कोई चेहरा नहीं लाएं, हम अपना ले चलें और बाद में पार्लियामेंट्री बोर्ड इसको तय करे चुनाव जीतने के बाद। लेकिन उसके पहले इनको डिक्लेयर करना पड़ा, शायद इनको लाया कि अब वक्त को ज़्यादा रोका नहीं जा सकता है। लेकिन एक मुश्किल और सामने आ रही है, 12 ऐसे लोगों को टिकट दिया गया है जो कि दूसरे दलों से आए हैं, कल ज्वाइन किया आज अपने टिकट, कुछ 20 लोग बताए उन्होंने कि कुछ नए लोग हैं उनको टिकट 20 जिसे लेकर जो विद्रोह 12 ऐसे स्थानों पर विद्रोह हो रहा है, तो ये भी एक उस विद्रोह को कैसे ये लोग पार पाएंगे, कैसे ये लोग रोकेंगे। और ये पहली बार, अगर ये ठीक है इस बार इन्होंने डिक्लेयर कर दिया, अब बंगाल होगा, बिहार होगा, जहाँ भी इन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा अब देना पड़ेगा। इस परंपरा को अब जब टूटी है तो आने वाले दिन में भी उन्हें ये बीजेपी का कोई भी मुख्यमंत्री चेहरा उनको दूसरे राज्यों में भी देना पड़ेगा। राणा साहब आप जवाब दीजिए। मैं पुष्प रंजन जी से एक बात कहना चाहता हूँ, हमारी पार्टी की नीति के सीएम डिक्लेयर करेंगे या नहीं करेंगे, कहाँ करेंगे कहाँ नहीं करेंगे, हमने तो किसी को नहीं कहा कि हम नहीं करेंगे। भाई हमने जब उचित समय पे उचित फैसला हमारी पार्टी करती है, पार्लियामेंट बोर्ड ने इसकी जरूरत समझी, आगे कहीं जरूरत होगी तो हम जरूर जी के प्रश्न पे जरा गौर कीजिए। मोदी मोदी काल की बात कर रहे हैं, इसमें दो बात है, मोदी जी से पहले अभी अभी भी मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा जाए। राणा साहब अभी मोदी अमित शाह ने कहा कि किरण बेदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, पर किरण बेदी ने क्या कहा? किरण बेदी ने ये कहा कि मोदी जी के नाम पे ही चुनाव लड़ा जाएगा। देखिए सुनो, इसमें रणनीति पार्टी की होती है, अब हम कहा अगर हम सीएम डिक्लेयर करें तो बड़ी समस्या। राणा साहब, राणा साहब मेरी बात सुनिए, पुष्पेंद्र जी से जरा सुन लीजिए, मैं कोई राजनीतिक दल का नहीं हूँ, इत्मीनान से मेरी बात सुन लीजिए, मैं भी यहाँ होमवर्क करके बैठा हुआ हूँ। मोदी काल शुरू होता है, उस काल में जो 4 चुनाव आपने किए उसमें हर जगह मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दिखा के मोदी जी का चेहरा दिखाया गया। उसके पहले बीजेपी ने, जैसे मध्य प्रदेश में चुनाव होता है या राजस्थान में होता है या हरियाणा में होता है, छत्तीसगढ़ में हुआ, वहां बीजेपी का मुख्यमंत्री चेहरा दिखाया गया बाकायदा और चुनाव पार्टी रणनीति है। नहीं, इस पार्टी की इस पार्टी के उस डायलेक्टिक्स को पलट दिया आप लोगों ने, मोदी जी ने पलट दिया था और उस परंपरा को आप आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन इस बार आप लोग दबाव में आ गए, केजरीवाल के दबाव में आ गए और मजबूर हो के आपको चेहरा घोषित करना पड़ा। रंजन जी आप बहुत, इसमें आम आदमी पार्टी सफल रही आप लोगों को बाध्य करने। आपकी बात से मैं सहमत, तो आप बहुत काबिल आदमी हो, बड़े वरिष्ठ पत्रकार हो। देखिए पार्टी की रणनीति कैसे समय के अनुसार बदलती रहती है, कोई फिक्स नहीं होती रणनीति। भाई हम लोग किस कैसे चुनाव में आगे बढ़ेंगे ये पार्टी की जो पार्लियामेंट बोर्ड तय करे। नहीं, आज जो विद्रोह का माहौल है आज की तारीख में, उसको कैसे हम लोग शांत करेंगे? आपको लग रहा है, ये आपको लग रहा है, ये देश जानना चाहेगा। देखो इस देश को जानने के लिए सब देश को सब चीज मालूम है। पुष्प रंजन जी ने ये पूछा कि अब आपने सीएम के लिए प्रोजेक्ट कर दिया चेहरा किरण बेदी, अब तक आप पीएम नरेंद्र मोदी के सारे राज्यों में चुनाव लड़ते आए, अब आगे जो बिहार के चुनाव नजदीक है क्या आप वहाँ पे प्रोजेक्ट करेंगे? सर देखिए, अब ये ऐसा सवाल है ना, तो आज चुनाव है वहाँ,
ना ऐसी कोई बात नहीं। अमित शाह ने शुरू कर दिया बंगाल में आ जाते हैं, आज अमित शाह बंगाल गए, जिस दिन चुनाव होगा आप चिंता ना करो, अमित शाह बंगाल गए चुनाव की तैयारी में गए वहाँ पर, सबसे पहले आपको बताया जाएगा, आपको सबसे पहले बताएंगे, वर्तमान में रैली आपने शुरू कर दिया, सबसे पहले आपको बताएंगे, बिल्कुल आप चिंता ना करिए। राजेश जी, महाराष्ट्र, हरियाणा, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर में इन्होंने मोदी जी का चेहरे पर चुनाव लड़ा। अब मोदी जी ने कुछ जैसे कुछ हमें भी पता लगा है कि अपने सर्वे करवाए, उनको अच्छी तरह से पता लग गया कि दिल्ली में वो हार रहे हैं, वो हारने जा रहे हैं। आप में और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है, दोनों ये हारने जा रहे हैं। कांग्रेस को रोकने के लिए इन्होंने ये रणनीति बनाई कि किसी तरह से किसी पे ऐसा जो जिसका चेहरा हो जिस पे हम ये सारी जिम्मेदारी थोप दी जाए, बाद में कि इनकी वजह से हार गए, मोदी जी यहाँ थे नहीं, तो उस वजह से ये किरण बेदी को ढूंढ के लेके आए हैं। और किरण बेदी उसी के हैं कि जब हारेंगे तो इनके प्रधानमंत्री कहने को ये मिल जाए किसी तरह से कि देखो प्रधानमंत्री ने जहाँ जहाँ चेहरा था उनका वहाँ वहाँ चुनाव जीते, किसी दूसरे के चेहरा लगाने से उनके चुनाव लड़ने से मतलब हम हार गए, बिल्कुल तो वो ठीक रहा उस पे किरण बेदी पे तोड़ने के लिए। बीजेपी का ये कहना है कि कम से कम ये ले तो आए, कांग्रेस ने तो वो भी नहीं किया, शीला दीक्षित के नाम पर चुनाव लड़ते आ रहे थे लेकिन वहाँ अब ये वो भी नहीं है, शीला दीक्षित ने साफ इनकार कर दिया, इंटरेस्ट नहीं लिया। विपिन जी आपको, विपिन जी आपको पता होगा कि हमारी परंपरा है पहला जो चुनाव जब हम लड़ते हैं और जो मुख्यमंत्री बन जाता है दूसरा चुनाव भी उसी के नेतृत्व में लड़ा जाता है, तीसरा चुनाव जब भी जो जो चुनाव होंगे उसके नेतृत्व में लड़ा जाता है। आज तो भी नहीं है ना, आज सूरत दूसरा है, पहला चुनाव आज आप कैंपेन कमेटी का हेड उत्तरांचल में दूसरी उत्तरांचल में सीएम बदल दिए रावत जी को ले आए बीच में, आज कांग्रेस का मुख्यमंत्री चेहरा दिल्ली में कौन ये बता दें, अरे आप उत्तरांचल का पूछो कि सीएम थे उसको हटा दिया सर, आप बीच में बोल रहे हैं सुनते नहीं दूसरे को सुनो तो सही। पुष्प रंजन जी हमारे सीएम जो है पिछला हम विधानसभा हार गए थे, आप पार्टी को जो है हमने समर्थन देके आप पार्टी की सरकार बनी थी, तो हमारा मुख्यमंत्री रहा नहीं, बीच में आपका आ गया, अब हमारा जो विधायक की बैठक होगी और बैठक में उन्हीं विधायकों में से चुना जाएगा, यानी अभी मुख्यमंत्री चेहरा आप देना नहीं चाहते हैं ना, हमारी परंपरा है, इसी वजह से ये विद्रोह हुआ है, जैसे पर उत्तरांचल उत्तरांचल में उत्तरांचल का बताइए, अरविंदर सिंह लवली के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, आज जो सीन दिल्ली में क्रिएट हुआ है कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कार्यकर्ताओं ने भी हंगामा किया है, जो अरविंद आपकी चैनल आप सुन लीजिए जी, जो आप कह रहे हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के, उन्होंने ये पार्टी ने तय करा, उनको टिकट पहले दे दिया था, फिर पार्टी ने तय करा कि पूरी सीटों पे आप प्रदेश के नेता हैं, सब जगह सर्व विधानसभा में आपको चुनाव रैलियां करनी है तो समय नहीं होगा अपने यहाँ, तो ये हमारी रणनीति के तहत तो मतलब उनको टिकट नहीं दिया। हाँ समर्थक कह रहे हैं, समर्थक किसी के भी समर्थक होते हैं किसी भी नेता के, तो वो चाहते हैं, यानी आपकी पार्टी में जो प्रदेश अध्यक्ष होता है वो चुनाव नहीं लड़ता है, नहीं ये कहना चाहते हैं, ना ये नहीं कहना चाह रहा हूँ, पहले कभी हुआ नहीं प्रदेश अध्यक्ष पे चुनाव, बहुत जगह हुआ है, बहुत जगह हुआ है, दिल्ली में कभी होता है कभी नहीं होता है, ऐसे होता है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष सुविधा होती है जिस हिसाब से, ठीक है। देखिए मैं छोटी सी टिप्पणी, आपने एक प्रश्न पूछा था ये क्यों यहाँ पे हुआ, आपको याद होगा कि चुनाव की घोषणा से ठीक पहले मोदी साहब की एक रैली हुई थी जिसमें करीब 1,00,000 लोग आने वाले थे, उसमें गलती से रिपोर्टिंग होगी कि सिर्फ 25,000 लोग आए हैं, 3-3 फीट से हटा के कुर्सियां लगाई कि लगे कि बड़ी भारी भीड़ है, और वहां औरतें जो स्वेटर बिन रही थी, कोई हरियाणा से अपनी अपनी बातें कर रही थी, तो वो जो बौखलाहट हुई कि ये तो पूरा डूब गया और ऐसे में सारा नुकसान हो जाएगा, तो वो आनंद फानंद में जो उसकी कवायद शुरू हो गई, किसी को लाया जाए जो केजरीवाल के सामने कम से कम खड़ा तो हो, तो वो सारी चीजें जो है जो सच्चाई है, लेकिन केजरीवाल तो खुद खड़े नहीं है एक जगह पर, केजरीवाल तो खुद खड़े नहीं है एक जगह पर, 40% ये लोगों का कहना है ऐसा, मुकेश जी लोगों का ये कहना है कि केजरीवाल तो खुद एक जगह पर खड़े नहीं है, स्थिरता नहीं है उनमें, कैसे सरकार चलाएंगे, कैसे भरोसा करे जनता उन पर, वो तो इधर उधर ये क्रिटिसिज्म है उनका, इसलिए इस बार का नारा है 5 साल केजरीवाल जी, और इसी को सुन के इतनी भीड़ आई कि नॉमिनेशन तक नहीं पहुंच सके, तो सबसे बड़ी बात यह है कि राणा साहब से जवाब ले, राणा साहब कहना ही है कि भीड़ इतनी थी इसलिए नॉमिनेशन वो फाइल नहीं कर पाए, राणा साहब और पीएम के लिए जो नहीं, पीएम के लिए जो रामलीला मैदान में भीड़ आई उसके लिए सवाल उठा रहे हैं, राणा साहब जी
पीएम के लिए जो भीड़ आई रामलीला मैदान में मुसलमानों का तो प्रतिनिधित्व इस पर सवाल उठा रहे हैं और रोड शो पे ये कह रहे हैं कि इतनी भीड़ थी कि वो निकल नहीं पाए काफिले में से, उनको भीड़ ने जाने नहीं दिया। ये तो कांग्रेस पे उनकी कांग्रेस लोगों ने बेचारों ने समर्थन दिया और ये दुनिया भर की कसम खाते रहे, उन पे आरोप लगाते रहे वहाँ स्पीकर। अब ये देखो, ये कहते हैं खराब आदमी हमारे, हम भाग के जा रहे हैं, जो बेकार है, बेईमान है। स्पीकर इन्होंने धीर साहब को बनाया, स्पीकर नंबर वन होता है। अब ये ऐसे आदमी को, एक खराब आदमी को, बेईमान आदमी को स्पीकर बनाए और बाद में वो छोड़ दे, तो भाई इसमें हम क्या कर सकते हैं। और नंबर दो, आप कर सकते हो, अब ले लो उसको। हमारी रैली छोटी हो बड़ी हो ये इन्हें इनका चिंता का विषय नहीं है। पर इनसे ये पूछो कि नॉमिनेशन का स्थान कहाँ था, इनकी रोड शो कहाँ हो रहा है। ये केजरीवाल जी बौखला गए हैं, किरण बेदी से घबरा गए हैं, जाके उनके क्षेत्र में आप जाके दौरा कर रहे हैं, दूसरे क्षेत्र में गए, कहाँ वो रास्ता टेढ़ा हुआ आप बता दो, जाके दौरा कर रहे हैं। समय की कमी है, चर्चा को यहीं समाप्त करना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सवाल यहाँ पर कई खड़े हैं कि क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं बेचैनी हो रही है बीजेपी में किरण बेदी के आने से, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जो रणनीति है वो बदलती जा रही है, एक दिलचस्प मोड़ पर आकर राजधानी खड़ी हो गई है। क्या होगा आगे देखेंगे। फिलहाल न्यूज़लाइन में इतना ही, आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज़।